अक्टूबर या कहें अक्टूबर एक उदास कविता और साल की सबसे अच्छी फिल्म पाँच में से पाँच अंक दिए हैं मेरे मित्र गौरव शारदा राय ने जो इसी नाम से फेसबुक वॉल पर भी लिखते हैं और उनका अपना एक पेज भी है क्या राय है इसके अलावा क्या राय है डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट इन यहाँ आप उनका ये रिव्यू पढ़ सकते हैं उसी रिव्यू को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है शिवली बनिता संधु कोमा में है फिर से सब कुछ ठीक होने की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है आईसीयू में उसके सामने खड़ा दानिश यानी वरुण धवन बेपरवाह बोले जा रहा है कोई जल्दी नहीं जिंदगी चलाने के लिए कुछ दिन मशीनों का सहारा ले लो मेरी बाइक भी खराब हो जाती है मैं धक्का देता हूँ ना वेंटिलेटर भी तो एक धक्का ही है दानिश की इस उम्मीद का कोई सिरा नहीं है वो जिस समंदर में जिंदगी की सुनहली मछली ढूंढने उतरा है उसकी तलहटी भी अपने आप में एक आसमान ही है उदासी खालीपन और अधूरेपन का आसमान शिवली उसके साथ ही काम करती थी मगर जान पहचान बस नाम की अब अगर कुछ उसे शिवली तक खींच लाया है तो सिर्फ एक सवाल जो शिवली ने अपने साथ हुए हादसे से बिल्कुल पहले पूछा था टैन यानी दानिश कहाँ है शुजित सरकार की अक्टूबर पर्दे पर एक ऐसी जज्बाती कविता है जिसमें बहे जाने का अपना ही एक एक अलग मजा है एक ऐसी कविता जिसमें दो दिल तो हैं पर जो प्रेम कहानियों के पुराने धागों से बंधे होने या बंधने की परवाह बिल्कुल नहीं करते जिंदगी तब नहीं चल रही होती जब आपको लगता है कि चल रही है ज़िंदगी चलना तब शुरू करती है जब अचानक ही एक ठहराव आपके ठीक सामने आ जाता है उदासी भी खूबसूरत हो सकती है खालीपन भी आपसे घंटों बात कर सकता है और किसी की आंखों की पुतलियों के दाएं बाएं होने भर से आपका आपका दिल आए अक्टूबर बड़ी संजीदगी पूरे ठहराव और बहुत तबीयत से यह कर दिखाती है दानिश दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में स्टाफ के तौर पर अपना डिप्लोमा पूरा कर रहा है बोलता बहुत है जिद्दी है लोगों से उलझता रहता है जिंदगी चल रही है मगर उसका कहीं कुछ नहीं चल रहा आपकी मंडली का वो दोस्त जो बेवजह अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टरों का टाइम टेबल पूछने लग जाए अपनी जनरल नॉलेज के लिए जूही चतुर्वेदी अपने अनूठे किरदारों की बारीकियों के लिए जानी जाती हैं वो बारीकियां जो आम सिनेमा के लिहाज से जरूरी भले न लगती हों पर जिनका होना और जिनके होने को देख पाने की ललक और रोमांच एक चौकन् दर्शक के तौर पर हमेशा आपको आकर्षित करती है मसलन वो एक दृश्य जहां दानिश अस्पताल में पहचा लगते वक्त सबको पैर ऊपर करके बैठने की सलाह दे रहा है अक्टूबर जूही चतुर्वेदी के निडर लेखन शुजित सरकार के काबिल निर्देशन और वरुण धवन के सहज सरल और सजीव अभिनय का मिला जुला इत्र है जो फिल्म खत्म होने के बाद तक आपको महकाता रहेगा और महकता रहेगा बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ करने की दौड़ चल रही हो और ऐसे में आप सिनेमा के लिए अक्टूबर जैसा कुछ कुछ बेहद खुशबुदार, खूबसूरत और ख़ास लिख रहे हों किसी बड़े मंझे फिल्म लेखक के लिए भी इतनी हिम्मत जुटाना हिंदी सिनेमा में आसान नहीं है ऐसा होते हुए भी हमने कम ही देखा है जूही चतुर्वेदी इस नक्षत्र का इकलौता ऐसा सितारा है शुजित दिल्ली की गलियों का सकरापन पहले ही नाप चुके हैं इस बार उनका कैनवस होटल और हॉस्पिटल तक ही सिमट कर रह गया है फिर भी अविक मुखोपाध्याय के कमाल कैमरा वर्क से वो हर फ्रेम में एक नया रंग ढूंढ ही लेते हैं वरुण को दानिश बनते देखना बेहद सुकून भरा है यकीन मानिए जुड़वा टू की शिकायतें आपको याद भी नहीं आती रंग बदलना ढंग बदलना और अपने किरदार में तह तक उतरते चले जाना ताज्जुब नहीं वरुण अभिनय प्रयोगों में अपने समकालीन अभिनेताओं से काफी आगे निकल गए हैं बनिता प्रभावशाली हैं फिल्म के सहकलाकार भी उतने ही मजबूत हैं खास तौर पर शिवली की मां की भूमिका में जानी मानी एनिमेटर फिल्म मेकर गीतांजलि राव हिंदी सिनेमा में धीर गंभीर माओ की जगह घटती जा रही है और राव अच्छा विकल्प बन सकती हैं आखिर में अक्टूबर आसान फिल्म नहीं है मगर एक ऐसी मुकम्मल फिल्म जो अपनी तरफ से एक नई पहल करने एक नया बदलाव रचने में कहीं कोई भूल नहीं करती सिनेमा से आप बहुत कुछ उम्मीद करते हैं और अक्टूबर आपसे उम्मीद रखती है फूलों, फूलों के बगीचे में टहलना हो तो, तो अपने, अपने जॉगिंग वाले जूते बाहर उतार, उतार कर आइए नंगे तलवों में ओस की ठंडक ज्यादा, ज्यादा महसूस, महसूस होती है साल की सब सबसे अच्छी, अच्छी फिल्म।, फिल्म पांच में से पांच अंक एक बार फिर बता रहा हूं गौरव शारदा राय का यह रिव्यू आप पढ़ भी सकते हैं क्या राय है डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट इन पर और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर एक उदास कविता और साल की सबसे अच्छी फिल्म फाइव आउट ऑफ फाइव रिव्यू आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं धन्यवाद